बिग ब्रेकिंग कुशीनगर, जाली नोट का कारोबार करने वाले गैंग का खुलासा। 10 सातिर गैंग के अभियुक्त हुए गिरफ्तार। 5,62,000 रुपए का जाली नोट बरामद। 3,000 की नेपाली मुद्रा बरामद। 1,10,000 भारतीय रुपया भी बरामद। बदमाशों के पास से 4 सुतली बम बरामद, 10 देसी तमंचा, 30 जिंदा और 12 फायर शुदा कारतूस बरामद। 13 मोबाइल, 26 सिम, 10 फर्जी आधार कार्ड और 10 ATM बरामद। 8 लैपटॉप और 2 लग्जरी गाड़ी बरामद। नेपाल के रास्ते करते थे जाली नोट का कारोबार। सपा नेता मोहम्मद रफीक खान की सरपरस्ती में हो रहा था जाली नोट का कारोबार। समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है मोहम्मद रफीक खान उर्फ बबलू। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5.5 लाख से भी ज़्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है। 1 लाख से ज़्यादा नगद कैश बरामद हुआ है। 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं। 30 जिंदा कारतूस मिले हैं। 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफ़ी संख्या में सिप कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से 4 सुतली बम भी बरामद हुआ है। इस गैंग के जो टोटल 10 सदस्य हैं, मोहम्मद रफीक खान उर्फ बबलू खान, तमको ही राज का रहने वाला, औरंगजेब उर्फ लादन, नौशाद खान, मोहम्मद रफ़ी अंसारी, शेख जमालुद्दीन, नियाजुद्दीन, रेहान खान, हासिम खान, शिराज हसमती और परवेज इल्लाही, ये सभी एक शातिर किस्म के इसमें कई बदमाश हैं जो कि जाली नोटों के कारोबार में डील करते हैं और साथ ही साथ जो अवैध असला है इसका इस्तेमाल करके लोगों को डराना धमकाना, जो ज़मीनें हैं उनको अपने नाम लिखवा लेना, फर्जी मुकदमे लिखवा के ये सभी चीज़ें करते हैं। इनके पास से नेपाल की भी करेंसी मिली है और नेपाल में भी इनके आवागमन की इनकी सूचना प्राप्त हुई है। इस पूरे गैंग को बस्ट करने में हमारा थाना तमकोही राज, थाना तरिया सुजान, थाना सेवरही एवं थाना साइबर की टीम लगी थी और ये सभी जो शातिर बदमाश हैं इन सभी पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। इनके जो संपत्ति है, जो अवैध संपत्ति, उसको भी कुर किया जाएगा। साथ ही साथ सराहनीय कार्य करने वाली हमारी टीम को इसमें पुरस्कृत भी किया जा रहा है। जनपद कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले 10 शातिर बदमाशों के इस गैंग को पकड़ के भारी बरामदगी के साथ में इनको जेल भेजा जा रहा है।